हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। बिहार में नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार सातवीं बार शपथ ले चुके हैं, दो दो डिप्टी सीएम भी बने हैं। वैश्य जाति के तारकिशोर प्रसाद और अति पिछड़ी जाति की रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार जैसे बिहार बीजेपी में पहली पंक्ति के नेताओं को मंत्रिमंडल में फिलहाल जगह नहीं मिली है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के लिए कहीं इस बार का सफर कांटों से भरा तो नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति को बारीकी से समझने वाली ये रिपोर्ट देखिए, सत्ता के अग्निपथ पर सरकार। साल में सातवीं बार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के सिरमौर बने हैं। 10 नवंबर को नतीजों के बाद बिहार में जब बीजेपी बड़ी पार्टी बनी तो एक वक्त के लिए ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री ना बन पाए। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपना सीएम बनाने की मांग भी कर दी थी, लेकिन तमाम अटकलों को पीछे छोड़ते हुए रविवार को नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए और अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। आपको तो सुशील मोदी को मिस करेंगे। तो अलायंस में तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, सब तो उनका निर्णय है। लेकिन हम लोगों का वो तो एक बीजेपी के का निर्णय आज तो हो ही गया है। दो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के लिए इस बार सत्ता की राह आसान नहीं रहने वाली है। साल 2005 से ही बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी रहती आई है, लेकिन इस बार नीतीश का ग्राफ नीचे चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से ही सत्ता में नीतीश कुमार के साझेदार रहे सुशील कुमार मोदी भी इस बार डिप्टी सीएम नहीं होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता का संतुलन बनाने में परेशानी आ सकती है। वैसे नीतीश कुमार हर तरह की परेशानी से निपटने में माहिर माने जाते हैं। राजनीति में पीढ़ियां बदलती है, नए लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये पद्धति भी है। सुशील जी हमारे बड़े नेता है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और मुझे अपेक्षा है कि उनको और कोई जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारियां बदलती है, यहां पर एक नई पीढ़ी को लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार बिहार में संघर्ष की सियासत के उपज है। छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। कामयाबी काफी देर में जाकर मिली, लेकिन जब मिली तो मिलती ही चली गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1994 की बात है, लालू तब बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश जनता दल के सांसद। सरकार में तब लालू यादव की तोती बोल रही थी, नीतीश नाराज चल रहे थे। इसी दौरान साल 1994 में गांधी मैदान में लालू यादव के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली हुई। नीतीश कुमार भी इस रैली में शामिल हुए और उस दिन उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद बिहार में न सिर्फ लालू के विकल्प के तौर पर स्थापित हुए बल्कि कुर्मियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ संघर्ष किया। नीतीश की लगातार कोशिशों के बाद चारा घोटाले में लालू यादव जेल गए। समता पार्टी बनाकर नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर ली। साल 1995 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब नीतीश कुमार बुरी तरह हार गए और इसी के बाद उन्होंने साल 1996 में बीजेपी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन का असर ये हुआ कि नीतीश कुमार को सियासत की संजीवनी हासिल हो गई। बाद में नीतीश वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। साल 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल सका। तब राज्यपाल के बुलावे पर नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने।
हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 7 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो 7 दिन नीतीश कुमार को बिहार में मजबूती से स्थापित कर गया। इसके बाद बिहार की राजनीति करवट लेने लगी। एनडीए के नेताओं को लगने लगा कि थोड़ा और जोर लगाया जाए तो लालू यादव की सत्ता को उखाड़ा जा सकता है। वो पुड़िया दिया जाता था तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। बिहार में ये वो वक्त था जब लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाने लगा था। नीतीश कुमार ने इस जंगल राज के नारे को जनता के बीच पहुंचाया। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए, उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था, आज जहां चाहे जाता है। जंगल राज से त्रस्त बिहार के लोगों में एक उम्मीद की किरण भी दिखी और फिर साल 2005 के नवंबर में वो हो गया जिसका सपना नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बिहार के करोड़ों लोग देख रहे थे। साल 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब वो नालंदा से सांसद। उनकी कैबिनेट में शामिल उप मुख्यमंत्री बने सुशील मोदी, जो कि तब भागलपुर से सांसद। दोनों ही विधान परिषद के रास्ते सदन पहुंचे और लालू राबड़ी राज से बिहार को मुक्ति दिलाई। नीतीश कुमार ने अपनी छवि सुशासन बाबू की बनाई और इसके साथ बिहार को अपराध मुक्त बनाने की भी एक कोशिश की। नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही एक तरफ सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया तो दूसरी ओर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। नीतीश कुमार बिहार में विकास पुरुष कहलाने लगे थे। सालों बाद बिहार में सड़कों की स्थिति बेहतर हो रही थी। बिहार के लोग अपने आसपास सब कुछ बदलता देख रहे थे। बिहार के लिए उस वक्त में ये किसी सपने जैसा ही था, लेकिन इस वक्त ये हकीकत थी। नीतीश कुमार ने अपने काम के दम पर बिहार को अलग पहचान दिलाई और जिस बिहारी शब्द से बिहार के लोग परहेज करते थे वो अब बिहार में गर्व से चौड़ा हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल बाद 2010 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। एनडीए को 243 में से 206 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश ने बीजेपी से दूरी बनाई। 2015 में वो लालू के साथ गए, लेकिन 2017 में फिर से लालू को छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। अब 2020 में एक बार फिर से वो बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन इस बार ताज कांटों भरा है क्योंकि माना ये जा रहा है कि पहली बार कम सीटों की वजह से नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए, सुशील मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि उम्मीद है सुशील मोदी को जल्द नई जिम्मेदारी मिलेगी। बिहार में सुशील मोदी ने अच्छा काम किया, इसका फल उन्हें मिलेगा। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, जो बिहार में प्रभारी का काम कर रहे थे। ये बताइए कि ये जो इस बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी है वो टूट गई। देखिए, राजनीति में पीढ़ियां बदलती है, नए लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये पद्धति भी है। सुशील जी हमारे बड़े नेता है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और मुझे अपेक्षा है कि उनको और कोई जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारियां बदलती है, यहां पर एक नई पीढ़ी को लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मुझे लगता है कि बहुत सफल प्रयास होगा। पर सवाल ये उठ रहा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था सुशील मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता है, इसका क्या मायने? मुझे तो लगता है कि उनके ट्वीट का बहुत गलत अर्थ निकाला जा रहा है। एक बड़े ही सधे हुए नेता की तरह उन्होंने कहा, 40 साल में मुझे पार्टी ने बहुत दिया, आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी में रहूंगा और कार्यकर्ता रखा तो कार्यकर्ता भी रहूंगा, ये उसका मतलब था। हालांकि वो भी जानते और पार्टी भी जानती है सुशील जी जैसे नेता को मात्र कार्यकर्ता नहीं रखा जाएगा। हमारे जिन नेताओं को अभी जिम्मेदारी समझ लीजिए सुशील जी को नहीं मिली है, तो उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्सट्रीम रिएक्शन भी नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी की पद्धति है। आखिरी सवाल, इस बार कोई एक मुसलमान चेहरा नहीं है?
अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी आप देख सकते हैं, प्रकाश कुमार जो अभी देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे थे, और साथ ही पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सुशील मोदी को लेकर बिल्कुल क्लियर है मामला, केंद्र में आएंगे, बिहार की राजनीति से अबाउट? देखिए, इसके पहले मैंने कोशिश की बात करने की सुशील मोदी जी से, तो कई सवाल हमने दागे लेकिन बिल्कुल चुप रहे, एक बार भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो जाहिर है कि वो नाराज हैं, वो काफी दुखी हैं, और इनके ट्वीट से भले ही बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हों कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, आगे जिम्मेदारी दी जाएगी, पर सुशील मोदी बिल्कुल खुश नहीं है, नाखुश है। इसके आगे भी नीतीश कुमार से हमने सवाल किया कि क्या वो सुशील मोदी को अपने मंत्रिमंडल में मिस करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिस करूंगा। तो जाहिर है कि ये जो दूरी हुई है सुशील मोदी की और पार्टी के बीच में, वो अभी तुरंत पाटने वाली नहीं है जब तक कि उन्हें वाकई में कोई केंद्र में जिम्मेदारी नहीं दी जाती है जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। पंकज झा, सुशील मोदी और नीतीश कुमार मतलब एक तरीके से एक दूसरे के जोड़ीदार, और जब ये जोड़ी टूटी है और जिस तरीके से बीजेपी दो दो डिप्टी सीएम के साथ आई है सामने, क्या लग रहा है ये कांटो भरा ताज नीतीश कुमार के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं कि बिहार में सुशील मोदी और नीतीश कुमार, ये जो मैसेज दिया गया है ना कि एक डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी 15 साल तक थे और उनकी जगह दो डिप्टी सीएम दिए गए, उनको बिहार से अब दिल्ली भेजने की बात हो रही है, लेकिन सब जानते हैं कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी, जो कंफर्ट जोन था, उनके जो रिश्ते थे, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक नई बीजेपी है बिहार में। आरोप भी लगते रहते सुशील मोदी पर कि बहुत सॉफ्ट रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर के। अब जो बीजेपी आ रही है, जो सामाजिक आधार दिया जा रहा है, वो दूसरी बीजेपी है जो अपने रास्ते अपने लिए रोड मैप तैयार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई बीजेपी है ना, बड़े भाई वाली बीजेपी है ये, अब छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी नहीं है, ऐसे में ज्यादा मंत्रालय, और वो कौन कौन से मंत्रालय जिस पर इस वक्त बीजेपी की नजर होगी? प्रकाश कुमार, कोई अंदर की खबर, सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर? देखिए, जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि दो डिप्टी सीएम अपनी शर्त पर बीजेपी ने लिया, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपनी शर्त पर ले लिया, तो आने वाले समय में यह भी साफ होगा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के अलावा बीजेपी वो कौन सा मंत्रालय है जो अपने कब्जे में रखना चाहेगी, और वो निश्चित तौर पे भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और साथ में संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये लगातार संपर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट कई विषयों पर बात भी हो गई होगी, और ये कहा जा रहा है कि बदली परिस्थिति में कुछ ऐसे जरूर होंगे जो देखने को मिलेगा, जो चौंकाने वाले होंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने वो कैसे मंत्रालय दे दिया। बिल्कुल पंकज, और ऐसे में गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय हमने देखा अब तक किस तरीके से खुद नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए थे, इस बार क्या गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार के सामने विकल्प, जैसा प्रकाश भी कह रहे थे कि शर्तें जो है ना, बहुत कुछ उन्हें माननी पड़ रही है, मजबूरी भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार इतने दबाव में होंगे, इतना झुक जाएंगे कि गृह मंत्रालय जैसा विभाग भी वो बीजेपी को दे दें, मुझे इस बात की गुंजाइश बहुत कम लग रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अभी तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होगा जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सातवीं बार सीएम पद की शपथ ली है, और खास बात यह कि नीतीश की यह शपथ भाई दूज के दिन है, और आज उनकी 80 साल की बड़ी बहन ने उनके लिए व्रत रखा था। आंगन में कुर्सी पर बैठी ये 80 साल की उषा देवी है। नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी के लिए दोहरी खुशी का मौका था। एक तरफ भाई दूज के दिन उन्होंने नीतीश की सलामती का व्रत रखा था, और दूसरी तरफ इस शुभ मौके पर नीतीश कुमार सातवीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे थे। आपने कई बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, और आज सातवीं बार, क्या कुछ नया अनुभव? और मैं देख रही हूँ, देखिए बकायदा यहाँ पर इन्होंने सजावट की है, तैयारियां की हुई हैं, और आज भाई दूज है। बचपन में आप साथ में रहते थे आपकी? हाँ, साथ में। हाँ। जब हमारा बच्चा छोटा छोटा सा था, तब से अभी भी आते हैं आपसे मिलने? हाँ, आते हैं वहाँ बड़ा बेटा के पास, वहाँ बुला लेते हैं, जाते हैं। उषा देवी ने कहा कि वो पूजा के बाद नीतीश के आवास पर जाएंगी ताकि अपने छोटे भाई को बाजरा खिला सके। इस मौके पर गीत गाए जाते हैं, बजरी खाइए भैया बज्जर होइए। इसी आशा और मान्यता के साथ उषा देवी ने भी इस पर्व को मनाया।